नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज पूरे देश में एक ही बात की चर्चा हो रही है, वह है अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का, और इसका सही कारण है लाल चंदन, जिसे हम मराठी में रक्ती चंदन भी कहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि आखिर क्या होता है लाल चंदन, उसे ऐसी कौन सी चीजें बनती है जिसके कारण इसकी कीमत करोड़ों में होती है, वह हमारे भारत के कौन से हिस्से में पाया जाता है। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो से हम लेने वाले हैं, इसीलिए अंत तक बने रहे। तो चंदन के पेड़ से हम सभी भलीभांति परिचित हैं। अपने महाराष्ट्र में चंदन के पेड़ बहुत है। इसके साथ साथ अब कुछ किसान भाई चंदन की खेती भी कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में पाए जाने वाले ये जो चंदन है, ये चंदन सफेद चंदन होते हैं। तो आप जानते हैं कि लाल चंदन क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम है पेट्रोकाल्पस हिंटालिनस, और यह मुख्यतः आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसे खून की तरह लाल स्राव बहने लगता है, और इसी कारण इसे रक्त चंदन भी कहते हैं। साथ साथ इसकी मांग चीन, जापान और अन्य देशों में भी है, इसी कारण इसकी बहुत ज्यादा मात्रा में स्मगलिंग भी हो रही है। भारत सरकार द्वारा इसे काटने पर रोक लगाया गया है। यह पेड़ भारत में आंध्र प्रदेश, इसके साथ साथ तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा इन भागों में भी कम ज्यादा प्रमाण में पाया जाता है। यह पेड़ इतना प्रसिद्ध है कि इसका जिक्र बाइबल जैसे महान ग्रंथों में भी किया गया है। हिंदू धर्म में भगवान को चंदन का टीका लगाया जाता है। लेकिन एक बात आपको चौंका देने वाली है कि सफेद चंदन की तरह लाल चंदन को खुशबू नहीं होती। इसमें लाल रंग की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इसकी सूखी लकड़ी भी लाल दिखाई देती है। तो अब जानेंगे आखिर यह लाल चंदन इतना महंगा क्यों होता है, इसके लाभ क्या है। तो जो लाल चंदन है, लाल चंदन का लेप लगाने से सूजन, जोड़ों का दर्द, जुकाम, खुजली आदि पर ये लाल चंदन गुणकारी है। लाल चंदन के जो पत्ते हैं, इसके साथ साथ लाल चंदन के जो पत्ते हैं, इन पत्तों का रस निकालकर जख्म को साफ किया जाता है। इसकी लकड़ी से गुड़िया, जौहरों की पेटियां, भगवान की मूर्ति, इसके साथ साथ अलग अलग वाद्य बनाए जाते हैं। चीन में इसका प्रयोग महंगे फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। लाल चंदन का प्रयोग अलग अलग मेडिकल औषधि बनाने में किया जाता है। यह चंदन इतना महंगा होता है कि एक टन लाल चंदन की कीमत 2 से 5 करोड़ तक होती है, और इसी कारण इसकी बड़ी मात्रा में स्मगलिंग भी हो जाती है। यह पेड़ तमिलनाडु के सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में पाया जाता है, उसमें निल्लोर, कुरनूर, चित्तूर और कड़प्पा, इन 4 जिलों में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में यह रक्त चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 8 से 11 मीटर तक होती है, और यह पेड़ पूरा पक्का होने के लिए तकरीबन 15 साल लगते हैं। यह लकड़ी अन्य लकड़ी की तुलना में पानी में जल्दी डूब जाती है। इसकी वजह यह है कि पानी से इसकी घनता ज्यादा होती है। इसी के साथ साथ इसे पानी में डुबोकर भी जांच लिया जाता है। विशेष तौर पर इसका प्रयोग मेडिकल औषधों में किया जाता है। इसका प्रयोग शुगर के मरीजों के लिए भी बड़ा गुणकारी है। लेकिन बड़ी खेदजनक बात यह है कि आज भी इतनी सारी कानून व्यवस्था होने पर भी इसकी स्मगलिंग हो रही है, और ऐसा ही जारी रहा तो ये जो अनमोल वनस्पति है लुप्त तो होने देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, ऐसी ही दिलचस्प वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।